हेलो भाई, ये आप देख सकते हैं, ये अमृतसरे और हरा नर वगैरह ये जो भी हैं आप देख सकते हो भाई, ये सारे के सारे कबूतर कितने फुर्तीले और किसी तरीके भी कोई बीमारी वगैरह में नहीं है। आप देख सकते हो इनको दाना खाते हुए कोई दिक्कत नहीं है। दाने में आपको कबूतरों को क्या खिलाना, देखो इस टाइम तो गर्मी चल रही है, आपको कबूतरों को इस टाइम गेहूँ ही खिलाना, बाजरा वगैरह बिल्कुल नहीं खिलाना। बाजरे से जो है जो आपके कबूतरों के जो दाने वगैरह निकलते हैं चेचस जिसको बोलते हैं, अगर बाजरा खिलाओगे तो आपके कबूतरों के बच्चों के चेचस निकलनी शुरू हो जाएगी। और आपको हम चेचक के बारे में बताएंगे कि चेचक को किस तरीके से ख़त्म करते हैं, बिल्कुल एकदम क्लियर नुस्खा बताएंगे कबूतरों के बारे में। जिस किसी भाई के भी अगर चेचक बच्चों की वगैरह निकलनी शुरू हो गई है, अभी निकली नहीं है, निकलनी शुरू हो जाएगी, तो सबसे पहले आपको कबूतरों को लीफ 50 पिलानी है। लीफ 50 में यह है कि कबूतर का लीवर सही रहेगा और कबूतर के दाने वगैरह बच्चों के दाने नहीं निकलेंगे। जब दाने नहीं निकलेंगे तो इसमें के बच्चे बहुत सारे मरते भी हैं और कुछ लोग तो कदर भी नहीं करते, बच्चे चेचर निकली और फेंक देते हैं साहब, तो क्या ऐसा करना गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए। हर हाल में बच्चों का अगर चेचक निकले तो उसको फोड़ देनी है, फोड़ कर नमक उसको लगा देनी है, उसके अंदर की जो कील वगैरह होती है वो निकाल देनी है, निकालने के बाद आपको उसमें नमक भर देनी है। बस आपको दो बार करना है, तीसरी बार में आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तीसरी बार में वो जो खुद ही बैठ जाएगी, खुद सूख जाएगी, काली पड़ के खुद सूख जाएगी, गिर जाएगी। सूखने बाद में आप अपने कबूतरों को साथ में बंद कर सकते हैं, बच्चों को अलग बंद कर नहीं सकते, जब दाना निकल गया बहुत से अलग बंद कर देते हैं, अलग बंद करने भी कोई फ़ायदा नहीं, अलग बंद भी मत करना, कबूतरों के साथ ही बंद करना, ऐसे जो कोई कबूतरों में किसी तरीके से बीमारी नहीं आती है। जब बीमारी नहीं आएगी तो भाई कबूतर आपके बच्चे सही निकालेंगे और आपका शौक भी पूरा हो जाएगा। जैसे आपके पास दो कबूतर, दो से चार हो जाएंगे, चार से छः, छः से आठ, आठ से दस, वो तो आपकी इनकी जनसंख्या जितनी भी है बढ़ती रहेगी, एक भी बच्चा नहीं मर पाएगा। ये देख सकते हो बिल्कुल बेहतरीन एकदम फुर्तीले माहिर कबूतर, बेहतरीन। अगर जिस किसी भाई को भी जैसे कि उड़ान के लिए कबूतर को बहुत से लोग बाजी रखते हैं, सबसे मेन चीज़ मैं पहले तो ये कहूँगा कि कबूतरों को नुस्खे वगैरह शराब वगैरह पिलानी नहीं है। आप तो पीते हो तो आप कबूतरों को पिलाते हो, यह गलत है। आपको कबूतरों को शराब किसी तरीके से पिलानी नहीं है। आपको मैं पार्ट थ्री में बताऊंगा कि कबूतर को किस तरीके से तेज़ फुर्ती करना है और किस तरीके से कितना उड़ाना है। आपका कबूतर बिल्कुल बेहतरीन उड़ने लगेगा, बिल्कुल फुर्ती के साथ, तो कम से कम मेरे ख्याल से 8-10 घंटे तो ले ही लेगा, 8-10 घंटे के बाद उतरने के बाद आप बच जाएंगे। कोई भी भाई कबूतर की हत्या वगैरह नहीं करे, शराब वगैरह नुस्खे वगैरह कुछ नहीं लगाए। आप लोगों से यही अपील है भाई, किसी तरीके से कबूतर को नुस्खे वगैरह नहीं लगाए, इसमें जो कबूतर मर भी जाते हैं
बहुत सारे कबूतरों इसमें हत्या हो जाती है। ठीक है भाई, कोई मेरा बड़ा भाई नुकसान वगैरह नहीं लगाए। ये देख सकते हो आप, हम आपको अपने कबूतरों को सुख कराते हैं। ये रहे दर्ब भाई, ये भाई वाइट कबूतर झबड़ा, ये रहा। और ये रहे भाई साहब इस टाइम ब्लैक बच्चे। अगर किसी जैसे भाई को चाहिए तो भाई ले सकता है, मैं आपके पास इसमें नंबर डाल दूंगा, कोई भाई कॉल कर सकता है, कोई दिक्कत भी नहीं है। और किसी कबूतर के बारे में, बच्चे के बारे में, किसी चीज़ के बारे में जानकारी भाई को लेनी है तो भाई मेरे को ले सकते हैं जानकारी वगैरह। ये देख सकते हो भाई, ये देख सकते हो इसका पर मुड़ गया, बिल्कुल पर्सा भी ठीक कर देता हूँ। ये देख सकते हो मैं इसी को इसी के दर में छोड़ देता हूँ। ये देख सकते हो इस टाइम अपने दर में जा चुका हूँ भाई। अब किसी भाई को जैसे बारे में जानकारी लेनी है भाई, वो कॉल कर सकता है। ठीक है भाई, शुक्रिया भाई।